हम सब लोगों की भीड़ का एक आम चेहरा है। हम सब की पहचान अलग है, पर संघर्ष, तनाव, सुख दुख के किस्से हम सब के मेल खाते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी अधूरे हैं, पर अपनी कमियों से लड़ने के लिए अपनी कमियों को स्वीकार करना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया और दुनियादारी की उधेड़ बुन में हम अक्सर अपने आप से अपना सही परिचय देने में चूक जाते हैं। आज का केस हमारा परिचय एक महिला मीना शर्मा से करवाता है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन उसकी आप बीती एक ऐसे संघर्ष से जूझ रही है जिसमें अपराध की फिजा मंडराई तो उसकी शारीरिक कमी भी अपराध के आड़े नहीं आई। ये तो ठीक है ना? पिंकी, पिंकी हाथ पकड़ कर चलो, हमारा गाड़ी है यहाँ पर। तुम अपनी बेसाखी संभालो, हमें संभालना तुम्हारे बस में नहीं है। बस में तो बहुत कुछ है हमारी, लेकिन तुम्हारी दादी ना हमें कुछ कहने नहीं देती। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए जो मुझे लंगड़ी लंगड़ी माँ मिली। पिंकी, लगी तो नहीं बेटा? बस 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 बस। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि ड्राइविंग मत किया कीजिए। दुनिया का हर शौक हर कोई पूरा नहीं कर सकता। पिंकी को कुछ हो जाता तो आज? ऐसे कैसे हो जाता? ऐसे कैसे होने देते? पापा ने तो बिल्कुल टाइम पे ब्रेक मारा है ना बेटा। मम्मी को समझाओ कि पापा को भले ही कम दिखता हो, पर पापा परफेक्ट ड्राइवर हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, हर काम परफेक्ट करते हो। और तू तू बार बार ये क्यों भूल रही है? हमारा बेटा 15% देख सकता है। तुम्हारे हमारा भी सिर्फ एक ही पैर काम करता है, इसका मतलब हम मैराथन दौड़ सकते हैं? बिल्कुल दौड़ सकते हो, क्यों नहीं दौड़ सकते? हम तो खुद फॉर्मूला 1 रेस में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं। तो मम्मी से बोलो कि इंसान शरीर से नहीं दिमाग से बीमार होता है। इसके दिमाग में वो पुर्जा है ही नहीं जिसमें अकल भर दी जाए। हाँ पापा, मम्मी को समझाना ना बेकार ही है। सच तो ये है कि हम आपकी रफ ड्राइविंग की वजह से नहीं गिरे थे, बल्कि मम्मी ने हमको धक्का दिया था। जलती है ये हमसे। अगर इतनी तकलीफ है ना हमसे, तो फिर मिट्टी का तेल डालकर फूंक दो हमें। सब मम्मी को कोसते हैं, हर चीज के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। सुनो मीना, मीना जाने दो बेटा, उसको तो आदत ही है कुड़कुड़ करने की। अरे इधर 23 नंबर का पाना रखा था। मीना, तुम यहां कैसे? तुम अब भी हमसे नाराज हो, हमें माफ कर दो। हमने ओम जी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की, हमारा बहुत दिल दुखाया है, हमारी जिंदगी नरक से बदतर बन गई है। मन करते कहीं डूब के मर जाए। बस अपने मुंह से मरने की बात मत निकालना। अब बता कि मुझे आगे करना क्या है। जब हम अपने करीबियों की अवहेलना का शिकार होते हैं तो छोटे छोटे घावों को भी बड़ा बनने में देर नहीं लगती। मीना अपने दर्द और तकलीफ का दोषी अपनी बेटी से ज्यादा अपने पति और अपने पति से ज्यादा अपनी सास को मानती थी। उसकी भावनाएं दम तोड़ रही थी और अब वो एक ऐसा रास्ता तलाश कर रही थी जिसमें इस परिवार का बिखरना तय था। जो अज्ञात लाश पुलिस को मिली थी उसका संबंध बहुत जल्द इस परिवार से जुड़ने वाला था। उस लाश की पहचान पुलिस कर चुकी थी। उस मृत लड़की का नाम था मेघा श्रीवास्तव और उसके पिता अमर श्रीवास्तव को शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। आप अलीगढ़ से हैं, आपकी बेटी अकेली मेरठ में क्यों रह रही थी? हमारी एक किडनी खराब है, नौकरी नहीं कर सकता, इसलिए वो नौकरी करने आई थी। कहाँ नौकरी करती थी वो? बोधी नगर में एक साड़ी की दुकान है, शर्मा एंड सन्स। मेघा हमारे दुकान में ही काम करती थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही हमने उसे काम से निकाल दिया। क्यों निकाला? पैसे चुराए थे उसने गल्ले से। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मोदी नगर के तालाब में हमें मेघा की लाश मिली है। लाश? मेघा वो क्या है ना,
किसी की मौत का सुनता है ना तो थोड़ा घबरा जाता है। वैसे स्ट्रॉन्ग है। आपने मेघा को चोरी के इल्जाम में ही निकाला था या वजह कुछ और है? और क्या वजह हो सकती है सर, वो चोर थी, किसी से भी पूछ लीजिए बाजार में। जब ऐसा के साथ छोड़ दे तो इंसान क्या करे। यहाँ किसी को भी हमारी कोई परवाह नहीं है। तू बस बोल मीना, मैं अभी आके सबके सर फोड़ दूंगा वहां। नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना। तो ठीक है, तू आके मिल मुझसे। और सुन, अब आगे क्या करना है वो भी बता मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। पिंकी, वो अभय था ना, तू तो उसे स्कूल से निकलवाने वाली थी और उससे दोस्ती भी कर ली। तुम्हारे दिमाग में ना वो पुरजा ही नहीं है जो पिंकी को समझ सको। अपनी दादी की भाषा बोलना बंद करो, तुम समझी? और कितनी बार समझाया तुम्हें लड़कों से दूर रहा करो। पिंकी, हम कुछ बात कर रहे हैं तुमसे। तुम्हारे जैसे नहीं है, ज्यादा बकवास किया ना तो दादी को बोल के घर से बाहर निकलवा देंगे। हमें धमकी दे रही हो तुम? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेघा की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। सर, मुझे तो सुसाइड का केस लगता है। हो सकता है कि उसने चोरी की है, ये बात उसके पापा तक ना पहुंच जाए, गिल्ड में आके उसने सुसाइड कर लिया। हो सकता है कि मेघा ने चोरी की ही ना हो। सर, हमने पूछताछ की, आसपास के दुकान वालों ने यही कहा कि शर्मान सन से मेघा को चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था, फिर उसको दोबारा कभी देखा नहीं गया वहां। 7 मार्च को मेघा को जॉब से निकाला गया और 8 मार्च की सुबह से ही शर्मा एंड सन्स का मालिक ओम शर्मा लगातार मेघा को कॉल कर रहा था। 12 मार्च को हमें मेघा की बॉडी मिली। उस दिन भी सुबह 5:30 बजे के आसपास ओम ने मेघा को कॉल किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेघा की डेथ का टाइम और डेट क्या है? सर, 12 मार्च सुबह 5 से 7 के बीच, यानी वही टाइम जब ओम ने मेघा को कॉल किया था। मतलब ओम मेघा के तालाब पे जाने के राज को जानता था, इसीलिए मेघा की मौत के बारे में सुनकर ठंडा हो गया। इस ओम से मिलना होगा। क्या हुआ दादी, फोन लगा पापा का? माँ जी, कुछ बात हुई ओम जी से? अगर बात हुई होती तो हम ऐसे मुंह लटका के खड़े रहते यहाँ? ओम को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। ओम तो नहीं है घर पे। मेघा की लाश मिलने की खबर सुनते ही ओम गायब हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? मेघा को मारकर हमारा बेटा भाग गया? हो भी सकता है। साहब, उसे दिखता तक नहीं। अगर दिखता नहीं तो गया कहाँ वो? हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, आज भी गया था, वापस आया ही नहीं। मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाता है वो? मोदी गार्डन्स। मेघा की रहस्यपूर्ण मौत का सस्पेक्ट पुलिस ओम को मान रही थी और ओम का अचानक गायब होना पुलिस के शक को बढ़ा रहा था। ओम की माँ के बयान के आधार पर पुलिस ने उस गार्डन में पूछताछ की जहाँ ओम रोजाना मॉर्निंग वॉक पर तो जाता था, लेकिन जिस दिन ओम गायब हुआ वो वहाँ नहीं देखा गया। और कुछ नई जानकारियाँ ओम और मेघा से जुड़े नए राज खोल रही थी। सर, पता चला इस गार्डन में सिर्फ ओम नहीं, मेघा भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आती थी। और जिस तालाब में मेघा की लाश मिली है वो इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है। हत्या का समय सुबह 5 से 7 के बीच ही है। ओम का लगातार मेघा को कॉल करना और उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये सारे समीकरण इस ओर इशारा करते हैं कि ओम और मेघा के बीच में एक मालिक और एम्प्लॉय के अलावा भी कोई रिलेशन था। लेकिन सर, ओम को दिखता नहीं था, मेघा को मारने के पीछे ओम का हाथ है, ये आपको अजीब नहीं लगता? ऐसा भी तो हो सकता है कि ओम और मेघा के अफेयर की वजह से ओम की माँ ने मेघा को चोरी के इल्जाम से नौकरी से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी ओम मेघा के टच में था, इसीलिए मेघा की लाश मिलने के बाद ओम की माँ ने अपने बेटे को कहीं गायब कर दिया। यहाँ हमारा बेटा गायब है और उसको ढूंढने के बजाय कभी हम पर तो कभी उस पर आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, उसका मेघा के साथ कोई अफेयर नहीं था, ना उसने मेघा को मारा है और ना ही हमने हमारे बेटे को कहीं गायब किया है। अगर ओम का मेघा के साथ अफेयर नहीं था तो हर रोज वो मेघा के साथ मॉर्निंग वॉक पे क्यों जाता था और नौकरी से निकाले जाने के बाद भी उससे फोन पे बातें क्यों कर रहा था? फोन पे बातें करता था तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेघा और उसका अफेयर था। अरे, मेघा तो चोर है, वही हमारे बेटे को फोन करती रहती थी, कहती थी हमें नौकरी पे वापस ले लो, हमारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। हमारा बेटा तो आया था उसके बातों में, हम नहीं आए। हाँ सर, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही, आप जैसे ओम जी के बारे में बस बस, तुम्हारी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? दादी बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम पापा से नफरत करती हो। सर, कल रात भी इन्होंने पापा से झगड़ा किया था और उसके बाद पता नहीं पापा कहाँ चले गए। पिंकी, सर, कहीं ओम और तुम्हारे बीच झगड़े की वजह मेघा तो नहीं थी? सर, हम आपसे कह रहे हैं ना,
ओम जी का किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। तो फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों होता था? सर, छोटे मोटे झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच होते हैं। लेकिन तुम्हारी सास और बेटी का इशारा तो किसी और ही तरफ है। हमारी बेटी नादान है सर, और माजी के लाड प्यार ने उसे और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। हम थोड़ा सा कुछ भी कह देते तो माजी हमसे गुस्सा हो जाती है, इन्हीं बातों से हमसे चिड़ी चिड़ी रहती है, और ओम जी भी अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। बस इन्हीं बातों को लेकर हमारे और ओम जी के बीच में अनबन हो गई। बच्चे की परवरिश तुमसे नहीं हो रही है और उंगली हमारी माँ पर उठा रही हो। जानती हो, ये जो तुम्हारा पति है ना, आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। वो कह रही है कि माँ बिगाड़ रही है पिंकी को। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि हम बिगाड़ रहे हैं पिंकी को? बल्कि वो खुद तमीज से बात नहीं करती हमसे। बच्चों से इज्जत करवाने के लिए उनके मन में इज्जत पैदा करनी पड़ती है। लेकिन हमारी वही इज्जत आपकी माँ आपकी बेटी के सामने पूरी तरह से उतारती है, लेकिन आप अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। सर, ओम और मीना के बीच अनबन थी ये तो साफ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बीवी के साथ अनबन की वजह से ओम और मेघा के बीच नजदीकियां बढ़ी हो। इनका अफेयर होने से ओम की वाइफ भी मना कर रही है और ओम की माँ भी। लेकिन मुझे लगता है कि मेघा की संदिग्ध मौत की वजह सिर्फ ओम ही नहीं, ओम की माँ या उसकी वाइफ भी हो सकती है। इन सब के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कि जिस तालाब पे हमें मेघा की लाश मिली थी उसके आसपास किसकी लोकेशन मैच करती है, और साथ साथ ये भी देखो जब ओम का फोन स्विच ऑफ हुआ तो उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। ओके सर। दादी बिल्कुल सही कहती हैं, तुम्हारे अंदर दिल नहीं पत्थर है। वहां पापा खो गए और तुम यहाँ पेट भरने के लिए खाना बना रही हो। मैं तो भूखी भी रह लूंगी पिंकी, लेकिन अगर तुझे और माजी को भूख लगी ना तो फिर मुझे ही कोसोगे। दिखावा तो करो ही मत। बताओ क्या किया पापा के साथ, बताओ क्या किया मेरे पापा के साथ, क्या किया? पिंकी, वो सिर्फ तेरे पापा नहीं है, मेरे पति भी है। ज्यादा पति पति मत करा। अगर मुझे पता चला कि तेरी वजह से मेरा बेटा गायब है, दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी तेरी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ओम जी कहाँ गायब हो गए। तू क्या कम जादू तो मैं जानती है? सब 12 मार्च को ओम ने मेघा को फोन तो किया था, लेकिन ना उनकी फोन लोकेशन उस तालाब वाले एरिया से मैच करती है, ना ही उसकी माँ की और ना ही उसकी बीवी की। सर, सर ओम की दुकान में काम करने वाली एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। सर, मेघा ने कोई चोरी नहीं की, ओम जी की माँ ने ही उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे निकाल दिया था। तो ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर हम उनके सामने सब बताते तो वो हमें भी जॉब से निकाल देती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ओम और मेघा के बीच अफेयर हो सकता है? सर, हमें ये तो नहीं पता कि उन दोनों के बीच में अफेयर हो सकता है कि नहीं, पर ओम जी बड़े ही फ्लर्टी नेचर के इंसान थे। वो हमेशा लड़कियों को बड़े ही अजीब तरीके से देखते थे। ओम को तो दिखाई भी नहीं देता था, और तुम बोल रही हो कि लड़कियों को अजीब तरीके से देखता था। सर, वो पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं थे, उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था, पर इतना नहीं कि वो पूरी दुकान संभाल सके। उनकी माँ की एब्सेंस में वो हमेशा कस्टमर्स को ज़्यादा पैसे लौटा देते थे, और उनकी माँ हमें ही सुनाती थी। कुछ एक हफ्ते पहले भी ऐसे ही हुआ था। गले में 5,000 कम है, किसने गायब किए? मैडम, उस दिन ओम सर शायद से किसी को ज्यादा पैसे दे दिए होंगे। हे, हमारा लड़का क्या अंधा लगता है तुझे? हाँ, रत्ना मैम ने मेघा के साथ बहुत बुरा किया है सर, वो बहुत बुरी है। वो अपने बेटे के खिलाफ कभी भी कुछ गलत नहीं सुन सकती, यहाँ तक कि ओम जी के लिए उन्होंने अपने दूसरे बेटे के साथ नाता तक तोड़ दिया था। दूसरा बेटा मतलब ओम का कोई भाई भी है? एक साल पहले तक वो दुकान पर ही बैठते थे, पर उनकी माँ के लिए बॉस सिर्फ ओम जी ही थे। अगर उनका दूसरा बेटा ओम जी के खिलाफ कुछ भी बोलता तो वो उन्हें भी उल्टा सीधा बोल देती थी। एक बार तो उन्होंने उन्हें इतना जलील किया कि उसके बाद तो वो घर छोड़कर ही चले गए। अरे ऐसा किसी ने जाने देंगे? अरे रुकिए मैम, सर बिजी है मैम, सर बिजी। सर, कहाँ है हमारा बेटा? रजनी, तो अब आप इसे भी नौकरी से निकाल देंगी? मतलब आप इसके कहने में आए? हमारे बेटे को ढूंढने के बजाय आप हम पर शक कर रहे हैं? क्यों, मेघा को नहीं निकाला था आपने चोरी के झूठे इल्जाम में? कोई प्रूफ है आपके पास, या सिर्फ इसके कहने पे यकीन करके आप हमें परेशान कर रहे हैं? प्रूफ तो आपके पास भी नहीं है कि मेघा ने चोरी की, और अपने दूसरे बेटे को घर से क्यों निकाला? देखिए, वो हमारे घर का मामला है,
हमारे बेटे को इस मामले में मत घसीटो। तो मतलब आपने ओम को अपने दूसरे बेटे के घर में छुपा के रखा है? ये कितनी बार कहें हम, हमने उसे नहीं छुपाया। अपने दूसरे बेटे का एड्रेस बताइए। हम नहीं जानते वो कहाँ है। तो फिर ओम है कहाँ? अरे नहीं पता, कैसे समझाएं आपको। देखिए मेघा की मौत से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे बेटे के गायब होने में उसकी बीवी का, मीना का जरूर हाथ है। तेरे लिए एक फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ ली है, अब छोड़ दे उस घर को। नहीं नहीं, हम उस घर को अभी नहीं छोड़ सकते। अगर अभी हम उस घर से निकले तो पुलिस को लगेगा कि ओम जी को हमने गायब करवाया, और हम उस घर को तभी छोड़ेंगे जब हमारी बेटी हमारे साथ हो। ये साफ था कि मीना अपनी बेटी के साथ अपने पति का घर छोड़ना चाहती थी। वहीं ओम की मां लगातार ये दावा कर रही थी कि ओम के अचानक गायब होने के पीछे मीना का हाथ है। लेकिन ओम के गायब होने का राज ओम की हत्या की पहेली बनकर सामने आया। ओम को पुलिस अब तक मेघा की रहस्यपूर्ण मौत का सस्पेक्ट मान रही थी, लेकिन ओम की लाश मिलने के बाद मेघा ही नहीं बल्कि ओम की हत्या का सस्पेक्ट भी मीना को माना जाने लगा। सर हम कह रहे हैं ना आपसे, हमने ओम जी को नहीं मारा है। तो तुम्हारी सास और तुम्हारी बेटी तुम पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? सर माँ जी हमें हमेशा से कोसती आई, यहां तक कि वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि ओम जी और हमारी शादी हो, लेकिन ओम जी हमसे सच्चा प्यार करते थे। I'm sorry. मुझे दिखा नहीं, आप मेरा हाथ पकड़िए। ये पकड़िए, ये लीजिए। जब हमने पहली बार ओम जी को देखा था तब हमें इस बात का एहसास भी नहीं था कि ओम जी को कम दिखाई देता। हमें तो ये तब पता चला जब हमारी दोबारा मुलाकात हुई। वो हमारे कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमसे एक बात कही थी कि बेटा इंसान शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज होता है, और ये बात हमारे दिल पर लग गई। और हमने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए हम मन से नहीं हारेंगे। उस दिन हम ओम जी से बहुत इंप्रेस हुए और धीरे धीरे प्यार हो गए। सर हम तो सोचते थे कि ओम जी की माँ वाकई कोई बहुत महान औरत होगी, लेकिन जब ओम जी ने हमें अपनी माँ से मिलवाया तब उन्होंने हमें देखते ही बस रहने दो, जो नहीं होता उसकी कोशिश मत कर। और तू इस लड़के के साथ शादी करेगा? उनकी माँ ने हमें देखते ही जलील करना शुरू कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ओम जी और हमारी शादी हो, लेकिन ओम जी ने अपनी माँ की एक बात नहीं मानी और हमसे शादी करने का फैसला ले लिया। और शादी के बाद उनकी माँ ने हमसे सारी नफरत निकाली, और फिर हमारी बेटी भी अपनी दादी की बातों में आकर हमें अपने पिता का हत्यारा मान रही है। सर हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने सच में ओम जी को नहीं मारा। दादी प्लीज मत रो। दादी हमारी बेटी को मारकर हमारे जख्म पर नमक छिड़कने आ गई। निकल यहाँ से। हम जानते थे कि आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है कि हमने ओम जी को नहीं मारा है। निकल यहाँ से, निकल वरना हम तुम्हें मार देंगे। निकल यहाँ से माँ जी। अब हम भी और जलील होकर यहाँ नहीं रह सकते। जाएंगे यहाँ से तो अपनी बेटी को साथ लेकर जाएंगे। चल पिंकी। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे साथ जाएंगे जिसने हमारे पापा का मर्डर कर दिया? पिंकी पिंकी तेरी दादी तुझे भड़का रही है। बेटा हमने नहीं मारा है तुम्हारे पापा को, हमारा यकीन करो। तुमने मारा है? सर ओम के पड़ोसियों से पता चला है कि ओम ड्राइविंग करना भी जानता था, और उसका कई बार एक्सीडेंट भी होता रहता था। ओम की मौत के 4 दिन पहले भी उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने पड़ोस की एक औरत और उसके बेटे को ठोक दिया था, और वो लोग हर्जाने के पैसे भी मांग रहे थे। कौन है वो लोग? सर अमित यादव और उसकी माँ शीला यादव। हाँ सर, कई दिन पहले ओम शर्मा की कार से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। माँ कुछ हुआ क्या? अमित माँ,
एक तो उन्होंने हमारा एक्सीडेंट किया और ऊपर से उसकी माँ उल्टा हम ही पे चिल्लाने लगी। तो इसी नफरत में तुम लोगों ने उसके बेटे ओम को मार डाला? अरे नहीं सर, हम क्यों मारेंगे भला उसे, और वैसे भी उसने अपनी गलती की माफी मांग ली थी। सर हम तो उसकी कंप्लेंट करने वाले थे। सर ओम शर्मा के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है सर, उसकी माँ उससे फिर भी ड्राइविंग करवाती थी। तो कंप्लेंट की क्यों नहीं? सर दरअसल मैं जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ और माँ पीछे से घर पे अकेली रहती है। सर मैं उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। सर ओम की माँ के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने बाकी 5,000 रुपये उन्हें दिया था और उन्हें अब भी शक है कि ओम की हत्या के पीछे मीना का ही हाथ है। ऐसा भी तो हो सकता है ये सब ओम की माँ ने किया है और वो इसमें मीना को फंसाना चाहती है। सर मेगा के मर्डर में ओम की माँ भी सस्पेक्ट है। ओम को मारने के पीछे ओम के माँ के पास कोई रीजन नहीं है, रीजन है मेगा के फादर के पास। इनको लगा होगा कि ओम ने मेगा को मारा है, इसीलिए इन्होंने ओम को मार के बदला ले लिया। हम अपनी बेटी के मौत के सदमे से बाहर नहीं निकले और आप बोल रहे हैं कि हमने अपना आपा खोकर ओम को मार दिया। 16 मार्च को ओम का मर्डर हुआ और 15 मार्च को तुम वापस अलीगढ़ से मेरठ आए थे। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला, जान सकता हूँ क्यों? मैं अपनी बेटी का सामान लेने गया, मौत का बदला लेने गया। मतलब तुम मानते हो कि ओम ने ही मेघा को मारा है? मारा नहीं सर, उसने उसे मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। मैं जब मेघा का सामान लेकर वापस अलीगढ़ पहुंचा तो मुझे एक चिट्ठी मिली जो मेघा ने मुझे मरने से पहले भेजी थी। कैसी चिट्ठी? पापा मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा गया। मुझे ओम जी से बहुत उम्मीद थी कि वो मेरा विश्वास करेंगे, लेकिन पापा उन्हें भी यही लगता है कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है। पापा मुझे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई पापा। आपकी बेटी मेघा ये वो अंदरिया तक कुछ नहीं थी। पुलिस ने जब इस चिट्ठी की सत्यता की जांच की तो पाया कि ये चिट्ठी मेघा की मौत से एक दिन पहले मेघा द्वारा अपने पिता को पोस्ट की गई थी। चिट्ठी में लिखे शब्द साफ बता रहे थे कि मेघा ने आत्महत्या की थी और जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ओम की माँ और ओम ही थे। लेकिन चिट्ठी में ओम की माँ का नाम स्पष्ट ना होने की वजह से उसके खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं बना और ओम की अब हत्या हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या किसने की थी ये साफ होना अभी बाकी था। ओम की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब क्राइम सीन के आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी और ये भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं ओम की हत्या में ओम के छोटे भाई का तो हाथ नहीं है। वहीं अपनी बेटी के शक और तिरस्कार की शिकार हो रही मीना अपनी मुसीबतों से उबरने की कोई और ही योजना बना रही थी। नहीं, हम यहाँ आएंगे तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आएंगे, हम नहीं छोड़ सकते अपनी सास के पास उसे। सर ओम के छोटे भाई शोभित का पुराना मोबाइल नंबर पिछले 6 महीने से बंद है, उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जहाँ से शोभित के बारे में कुछ पता चल सके, और उसकी माँ बार बार यही कह रही है कि दूसरे बेटे के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। फोन नंबर से नहीं तो किसी और जरिए से शोभित का करंट एड्रेस पता करने की कोशिश करो। सर ओम की माँ आई है, वो बोले कि ओम की बीवी और बेटी दोनों लापता है। सर दुकान से हम जब घर पहुंचे तो ना पिंकी घर पर थी ना मीना, मीना का फोन भी बंद आ रहा है, जरूर मीना पिंकी को लेके भाग गई है। मीना सिर्फ हमारे बेटे से नहीं चिढ़ती थी, हमारे पोती से भी चिढ़ती थी, हमारे बेटे के बाद जरूर हमारे पोती से बदला ले रही है वो। सर सर मीना का फोन दोपहर 3 बजे कल्याण नगर में बंद हुआ था। पांडे सर कल्याण नगर में जिस जगह मीना का फोन बंद हुआ था वहां सर्च करो, शायद को लीड मिले। ओके सर। सर शोभित का पुराना अकाउंट एक्टिव है और एड्रेस उनके घर का ही मेंशन किया हुआ है। 3 महीने पहले शर्मा एंड सन्स के अकाउंट से 5 लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, लेकिन ओम की माँ तो कह रही थी कि पिछले 1 साल से वो शोभित से मिली तक नहीं, फिर 3 महीने पहले उसके अकाउंट में इतना सारा पैसा ट्रांसफर क्यों किया? हाँ 3 महीने पहले शोभित आया था, लड़ाई झगड़ा करके घर में और दुकान में हिस्सा मांग रहा था, हम तो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते थे, वो तो ओम ने कहा इसलिए हमने 5 लाख का चेक दे दिया। वो आपसे लड़ाई झगड़ा करके हिस्सा मांगने के लिए आया और आपको अब भी नहीं लगता कि उसने ओम का मर्डर किया होगा? हिस्से के लिए अगर उसे किसी को मारना ही होता तो वो हमें मारता, क्योंकि दुकान और घर हमारे नाम पे, ओम को मार के उसे क्या मिलेगा? ओम की हत्या में जरूर मीना का ही हाथ है, तभी तो वो गायब है, हमारे पोती को भी ले गई है। सर शोभित ने अपने बैंक अकाउंट में जो नया नंबर एक्टिवेट करवाया था वो कल्याण नगर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। कल्याण नगर
यही तो मीना का फोन स्विच ऑफ हुआ था। जब मैंने मीना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो मुझे पता चला कि मीना की फोन कॉल की लोकेशन घर के अलावा अक्सर कल्याण नगर की ही होती थी। किशोर, कहीं ऐसा तो नहीं शोभित और मीना का अफेयर चल रहा था जिसके बारे में उनकी माँ को पता नहीं था, लेकिन ओम को पता चल गया, इसी वजह से शोभित और मीना ने ओम का मर्डर कर दिया और पिंकी को लेकर शोभित के साथ कहीं भाग गए। पुलिस जब ओम के भाई शोभित के मिले पते पर कल्याण नगर पहुंची तो पाया कि शोभित अपने घर में मौजूद नहीं था। नहीं सर, मुझे कोई अंदाजा नहीं, शोभित और मीना के बीच कोई अफेयर भी था। पुलिस को लग रहा था कि ओम की हत्या ही नहीं बल्कि मीना और उसकी बेटी पिंकी का गायब होने की गुत्थी भी ओम के भाई शोभित की तलाश के बाद सुलझ जाएगी, लेकिन इस केस में अभी कई और घुमाव आने बाकी थे। शोभित शर्मा तुम ही हो ना? हाँ सर। ओह ओह, क्यों मारा हमको? सर आप क्या कह रहे हैं सर? ओम भैया से मिले मुझे एक अरसा हो गया और आप कह रहे कि मैंने उन्हें मार दी? तुम नफरत करते थे ओम से, तुम्हारी माँ ने हमें बताया तुम उसे जलील करते थे अंधा बोल बोल के। हाँ चिढ़ता था मैं इस बात से कि माँ ने ओम के लिए मेरी जरा भी परवाह नहीं, और जो सच है, लेकिन सच ये भी है कि भैया को अंधा करने वाली हमारी माँ ही थी। ये क्या बोल रहे थे? ओम भैया जब 12 साल के थे तब उनकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन हुआ था, तब माँ ने उनकी आंखों में कोई एक्सपायरी डेट वाला आई ड्रॉप डाल दिया था जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हुई, लेकिन अपना पश्चाताप पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। भैया के अंधेपन होने की वजह से दुकान में भी नुकसान होता था, लेकिन माँ कभी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अगर कभी मैंने भैया के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मुझे नीचा दिखा दी थी। अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ओम भैया का मर्डर हो गया है, तो फिर ये मीना भाभी और पिंकी कहाँ गुम हो गए? मैं क्या बता सकता हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर शोभित का नया मोबाइल नंबर, ओम के हत्या वाले दिन ये नंबर ओम के घर के आसपास ही एक्टिव था, हमने वहाँ जाकर पूछताछ की लेकिन वहाँ किसी ने मीना को नहीं देखा सर। लेकिन मीना का कल्याण नगर में तो आना जाना था, अगर वो शोभित से नहीं मिलती थी तो कल्याण नगर में किसके पास जाती थी? सर ओम की हत्या वाले दिन ओम मोदी नगर के एक शॉप के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है, ये उसकी फुटेज है। हमने कुछ नहीं किया साहब, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कुछ नहीं किया है तो जिस दिन ओम का मर्डर हुआ उस दिन उसका पीछा क्यों कर रही थी तुम? ये तुम ही हो ना, तुम ही ने मारा है ओम को? हमने नहीं मारा किसी को। झूठ मत बोलो, जहां ओम का मर्डर हुआ वहां तुम्हारा फोन भी एक्टिव था, ये है कॉल रिकॉर्ड्स। देखो सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के कई और तरीके हैं हमारे पास। हाँ, मारा है मैंने उसे, क्योंकि उसकी वजह से हमारे स्वर्गवासी पति की अस्थियां कीचड़ में बिखर गई। अमित, माँ तुम ठीक हो ना? उठो उठो, तेरी लस्सी की तैसी तेरी। उसकी वजह से अपने स्वर्गवासी पति की अस्थियों को विसर्जित तक नहीं कर सके। ओम की बीवी और बेटी के साथ क्या किया? ओम की बीवी बेटी, हमें क्या पता ओम की बीवी बेटी के बारे में साहब? आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच सच बता दो। ओम का मर्डर हमने किया, हमने ये बात कबूल कर ली ना, अगर उसकी बीवी बेटी के साथ कुछ किया होता तो हम वो भी कबूल कर लेते, हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। ओम भले ही कितना भी काबिल था लेकिन आंखों से कमजोर इंसान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होता, लेकिन ओम की माँ ने ना सिर्फ उसे ड्राइविंग सिखाई बल्कि बिना लाइसेंस के उसे ड्राइविंग करने की खुली आजादी दी, और उसकी इस गलती से सिर्फ दूसरे ही नहीं बल्कि ओम भी कभी किसी जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो सकता था। ओम की संघर्षपूर्ण जिंदगी एक अधूरी दास्तां की तरह खत्म हो गई, लेकिन मीना के संघर्ष की नियति क्या थी, उसके अचानक लापता होने का रहस्य क्या था, और उसकी बेटी पिंकी किसके शोषण का शिकार हो रही थी? पिंकी,
दादी। देखो पिंकी बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बताओ आपकी माँ कहाँ है और आपके साथ क्या हुआ था, बोलो बेटा। उस दिन जब हम घर से निकल रहे थे तब मम्मी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से चली गई। कहाँ गई बेटा? मैं अपनी फ्रेंड अभय के साथ उसके फार्म हाउस गई। लाइफ में हम सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं अक्सर वही हमें छोड़ के चल देते हैं। क्यों दुखी है? ले थोड़ा सा पी ले, पापा का गम भुलाने में थोड़ा मदद करेगा। दादी, मम्मी का सामान कुछ भी नहीं है, क्या वो सच में हमें छोड़ के चली गई है? तू चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ। आप तो हमारे साथ हमेशा से थी, लेकिन आप ही की वजह से मैंने मम्मी को इतना गलत समझा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गुस्से में उनको कुछ? ये क्या बोल रही है तू? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेघा की आत्महत्या की जिम्मेदार आप हैं और मीना आप ही की वजह से अपनी बेटी से दूर है। माना कि आपका अपराध पकड़ा नहीं गया, लेकिन आपका बुरा बर्ताव अब जाहिर हो चुका है। हम जो है सो हैं। मीना भी कुछ कम नहीं थी, और ये पिंकी खुद मीना की चुगली करती थी हमसे, भूल गई क्या? पिछले महीने तुमने क्या कहा? इसने कहा मीना को एक आदमी के साथ देखा। क्या करना है, कैसे करना है, हम आप कौन था वो? पिंकी ने जो हुलिया बताया उससे तो मुझे लगता है कि वो शामू था। शामू कौन है? मीना का भाई। मीना और ओम की शादी उसे पसंद ही नहीं थी, शादी के बाद भी जबरदस्ती उसे ले जाना चाहता था। ये शादी तो आप भी नहीं होने देना चाहती थी। हाँ, लेकिन हमारे बेटे का मन रखने के लिए शादी तो करा थी ना हमने, लेकिन वो तो चाहता था मीना किसी के साथ शादी ही ना करे। जी साहब, आपने हमें बताया नहीं कि मीना का कोई बड़ा भाई भी है? साहब, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहता है। कहाँ रहता है वो? साहब, वो अपने ससुराल में रहता है। शामू कहाँ है? जी, वो कई दिनों से घर नहीं आए। क्यों? जी, वो टेम्पो चलाते हैं, कई कई दिन घर नहीं आते हैं। एक हफ्ते पहले ऊना गए थे, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? शामू की बहन मीना के बारे में कुछ बात करनी है, फोन नंबर दीजिए। कल तक ये रिपोर्ट मेरे टेबल पे होनी चाहिए। सर, मैंने शामू का नंबर ट्राई किया लेकिन बंद आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुँचते हैं। सर, पता चला कि कल्याण नगर में शामू का एक गैराज भी है। बहुत खराब बदबू आ रही है सर, पूरे गैरेज की अच्छी तरह से तलाशी ले। मीना की गुमशुदगी का राज मीना की हत्या बनकर सामने आया, लेकिन मीना की हत्या में उसके भाई शामू की क्या भूमिका थी? पुलिस को अब शामू की तलाश थी और जल्द ही ये तलाश खत्म हो गई। हमने क्या किया सर? क्यों मारा मीना को? हम मीनू को क्यों मारेंगे सर?
वो तो हमारी बहन थी। बहन थी तो उसकी बॉडी तेरे गैरेज में कैसे मिली? इस बात से हम भी हैरान हैं। हम तो एक हफ्ते से ऊना गए हुए थे। लेकिन ऊना जाने से पहले तो वो तुझसे मिलने कल्याण नगर आती थी ना? आती थी सर, आती थी। वो अपने ससुराल वालों से बहुत दुखी थी। उसकी सास, उसका पति, उसकी बेटी, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। यही दुख बांटने के लिए हमारे पास आती थी और हमने उसे बोला था कि तू अपना ससुराल छोड़कर हमारे साथ आ जा। तूने मीना को अपने पास बुलाया क्योंकि तेरी नीयत खराब हो गई थी उस पर। जब मीना को तेरी इस मंशा के बारे में पता चला तो तेरे हाथों उसका मर्डर हो गया। सर हम पे ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। वो हमारी बहन थी और वो खुद हमारे साथ आना चाहती थी सर। लेकिन अचानक उसके पति की हत्या हो गई और आप लोगों को भी उस पर शक था, इसलिए वो नहीं आई। वो तो अपनी बेटी के साथ आना चाहती थी सर। हम यहाँ आएंगे तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आएंगे। हम नहीं छोड़ सकते अपनी सास के पास उसे। और ऊना जाने से पहले भी वो हमसे मिली थी। मैं एक हफ्ते के लिए ऊना जा रहा हूँ। अब तक अगर तूने पिंकी को समझा दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे मान ही रहने दूंगा। सर जब हम यहाँ से ऊना के लिए निकले तो मीना सही सलामत थी। हमें लगता है कि उसकी सास ने उसका मर्डर करवा के हमारे गैरेज में रखवा दिया ताकि हम भी फंस जाए और मीना भी खत्म हो जाए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीना का मर्डर गला घोटने की वजह से हुआ है, लेकिन हत्या का डेट और टाइम उसी दिन से मैच होता है जिस दिन मीना का मोबाइल कल्याण नगर में बंद हुआ था। लेकिन मीना के सास की मोबाइल की लोकेशन उस एरिया से मैच नहीं करता। और इधर शामू ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने मीना का मर्डर किया। हो सकता है क्या? सर मीना की माँ आपसे मिलना चाहती है। साहब हमें नहीं लगता साहब कि शामू मीना को मार सकता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था साहब। आपको पता है साहब कि शामू की शादी मीना की शादी से 6 महीना पहले हो गई थी और वो अपनी पत्नी को गौना करके भी नहीं लाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था साहब कि उसकी बीवी के आने के बाद उसकी बहन और बीवी के बीच में कोई भेदभाव हो। इसलिए जब मीना की शादी हो गई उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेके आया। अब आप ही बताइए साहब, जो इंसान अपनी बहन से इस तरह प्यार करता हो वो अपनी बहन को कैसे मार सकता है साहब? कैसे मार सकता है? कैसे? शामू अपनी बहन मीना से बहुत प्यार करता था। मीना के चक्कर में ही अपना घर बार, अपनी माँ, यहां तक कि अपनी बीवी तक को भूल जाया करता था। किशोर पता करो, जिस दिन मीना की हत्या हुई उस दिन शामू की बीवी की मोबाइल की लोकेशन कल्याण नगर की थी या नहीं? यस सर। शक की सुई शामू की बीवी चंदा पर भी आई, पर कुछ ऊपरी सबूत मीना की हत्या में चंदा का हाथ होने का भी दावा पेश कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उसे तलब किया। सर आप लोग मुझे क्यों यहाँ पे लेकर आए? मीना का मर्डर करने के जुर्म में। मैं मीना का? देखो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमें पता है कि तुमने मीना का मर्डर किया है, बस अब ये बताओ कि कैसे किया है और क्यों। उस दिन मैं गैरेज अपने पति का टिफिन देने गई और वहाँ मीना को अपने पति के साथ देख के मेरा दिमाग ही खराब हो गया। जैसे ही मेरे पति वहाँ से गए मैंने मीना से कहा, ए क्या बात करी थी मेरे पति से? हाँ अभी? हाँ आजकल बहुत मिल रही है मेरे पति से। हाँ भाभी बात ही कुछ ऐसी। बात तो मेरी कान खोल के सुन ले, मेरे पति से ना दूरी रहे। वैसे भी ना तेरी वजह से शादी के 6 महीने बाद तक मैं अपने मायके बैठी रही। तेरी वजह से ना मेरा पति मेरा गौना करके नहीं लाया, मेरी जिंदगी खराब कर दी थी उसने। अब सुधर गई जिंदगी? अपना घर बसाने के लिए जो दूसरों की जिंदगी उजाड़ने की मंशा रखते हैं वो एक ना एक दिन उन 4 दीवारी में घुट कर रह जाते हैं जहां रोशनी भी कैद की सलाखों से छन कर आती है। माना कि जिंदगी संघर्ष और तनावों से भरी है, अपनी खुशियों के लिए अक्सर हमें अपने दर्द से समझौता करना पड़ता है, लेकिन अगर दूसरों का दर्द हमारी खुशियों पर भारी पड़ने लगे तो हम इतने भी हिंसक ना हो जाएं कि हम दूसरों की आशाओं को भी मारते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद।